आपने अक्सर डायनासोर के बारे में सुना होगा, लेकिन अब डायनासोर को लेकर वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर यानी राजस्थान में लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर के सबसे पुराने जीवांश अवशेषों की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जीवांश लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिकों को अब तक डायनासोर की इस प्रजाति का पता नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसे थारूसारस इंडिकस का नाम दिया है। आईआईटी रुड़की के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी का कहना है कि इस जीवांश के अध्ययन से पता चला है कि डायनासोर की उत्पत्ति भारत में हुई और इसके बाद ही वह चीन समेत अन्य देशों में फैले। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंटिफिक स्पोर्ट्स नेचर में भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डायनासोर का यह जीवांशम 167 मिलियन साल पुराना है और वैज्ञानिकों को अब तक डायनासोर की इस प्रजाति का पता नहीं था। वैज्ञानिकों ने थार मरुस्थल के नाम पर इसे थारूसारस इंडिकस का नाम दिया है। यह थार मरुस्थल का पहला नाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार डिक्रोसाइरिड डायनासोर के जीवांश उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और चीन में पाए गए, लेकिन भारत में ऐसे जीवांशम होंगे उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। प्रोफेसर सुनील वाजपेयी के अनुसार संस्थान के वैज्ञानिकों ने जीएसआई जयपुर के साथ मिलकर वर्ष 2018 में जैसलमेर के मध्य जुरासिक पहाड़ियों पर एक व्यवस्थित जीवांश अवशेषण कार्यक्रम शुरू किया था। इसी दौरान उन्हें डायनासोर की इस नई प्रजाति का जीवांशम मिला। प्रोफेसर वाजपेयी के मुताबिक इस डायनासोर के शरीर के कुछ हिस्से पाए गए हैं, मसलन रीढ़ का पिछला भाग और कुछ अन्य हिस्से। 5 वर्ष तक उन्होंने अपने एक साहसी प्रोफेसर देवाजी दत्ता के साथ मिलकर आईआईटी रुड़की में इस जीवांशम का विस्तृत अध्ययन किया। बताया जा रहा है कि जिस चट्टान में यह जीवांशम मिला वह 167 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह दुनिया का सबसे पुराना डायनासोर है, जो चीन में मिले डायनासोर की तुलना में 2 मिलियन वर्ष पुराना है।